अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज संडे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सुबह सुबह उठ गए हम। सुबह सुबह का टाइम तो नहीं, लेकिन संडे तो इस टाइम 12 बजे सुबह सुबह का ही टाइम होता है। तो इंशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और एक जगह सुनी थी कि पार्क व्यू में एक हलवा पूड़ी वाला है, उसके पाए भी अच्छे हैं, उसके चने भी अच्छे होते हैं, और उसकी हलवा पूड़ी भी अच्छी होती है। तो चले अब हम आप देखते हैं कि उधर जाके क्या टेस्ट है, क्या उसका क्राइटेरिया, कैसी सीटिंग है, कैसी जगह है, कैसी लोकेशन है, वो मैं आपको उसके बारे में आपको मैं गाइड करने लगा हूँ। अभी चले हम चलते हैं पार्क के मेन गेट से, मेन एंट्रेंस से, उसके हवाले से मैं आपको अभी बताता हूँ एंट्रेंस उसके हवाले से। सारी वीडियोज़ में आपको इस बारे में आपको मैं बताता हूँ, सारी डिटेल में आपको ना आपसे शेयर करता हूँ। ये मेन एंट्रेंस है, और अब हम पार्क के अंदर एंटर हो रहे हैं। उसका इसकी लोकेशन के हवाले से ये है कि पहला गोल चक्कर हम उसके पास जाएंगे, अभी उनसे वहाँ जाके देखेंगे कि किसी से पूछेंगे कि कौन सी जगह है और कहाँ पे है ये हलवा पूड़ी वाला। नाम सुना था डोगर हलवा पूड़ी वाला था, अब वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है वहाँ पे। हम पार्क में जा रहे हैं। जी गाइस, अब हम ये आगे हैं अंदर घोड़ा चौक में। ये पार्क व्यू का मशहूर चौक है, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लेंगे घोड़ा चौक है, राउंड अबाउट है ये। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे, यहाँ से अब हम ये हो गए लेफ्ट, और लेफ्ट होके हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। ये घोड़ा चौक जो है ये सेकंड राउंड अबाउट है, और सेकंड राउंड अबाउट से हमने लेफ्ट होना है। अंदर तो है रेस्टोरेंट, बट सुनने में आया कि मज़े का इसकी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से आप दोस्तों के लिए शेयर करने के लिए आया हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं आया हूँ, और ताकि आप लोगों को भी हर जगह का पता हो। जो यहाँ के नज़दीक के लोग हैं वो कम अज़ कम आके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, अपना लंच भी इनके पास मेरे खाते होता है, और डिनर भी जो है अवेल होता है इनके पास, आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। डोगर सची हाउस है, और यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, और यहाँ पे तो माशाल्लाह रश काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ये सारी गाड़ियाँ मेरे ख्याल से इनकी है, इन्हीं के लिए आए हैं। चलें कोई पार्किंग की जगह ढूंढते हैं और अच्छा लग करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये आगे डोगर सची हाउस में, इनके पास फिश कॉर्नर भी है, बट इनके पास ब्रेकफास्ट भी बड़ा अच्छा मिलता है। अभी मैं 12 बजे आया हूँ, और अभी भी इनका क्राउड अभी भी इसी तरह ही है, और ये यहाँ एंड तक पार्किंग जा रही है इनकी। डाइनिंग के लिए भी काफ़ी लोग बैठे हैं, और पैकिंग के लिए भी काफ़ी लोग बैठे हैं। चलो आ जाओ, हम आपको डिटेल में अंदर जाके बताते हैं। जी, ये इनकी हलवा पूड़ी बन रही है, हलवा पूड़ी एंड फुल टाइम रेडी हो रही है, फ्रेश पूरी पूरी ताज़ा हलवा पूड़ी, और इसमें करें फुल टाइम इनकी, और हलवा पूड़ी बन रही है फुल टाइम। ये इनकी हलवा पूड़ी के साथ इनके लाइव तंदूर भी है, लाइव तंदूर है, और इसके साथ आप चीज़ें लाइव भी बिल्कुल चल रही होती हैं। ये
जो इनके हलवा है मीठा पूरा है, चने हो गए, गले चने हो गए हैं, ये इनका सेटअप है। उसके बाद आपको चने की तरफ लेके जाते हैं इनके, और ये इनके पाए और बोंग के लिए, पाए और बोंग भी इनकी काफ़ी मशहूर है, जिसके वाले से काफ़ी मशहूर जाना जाता है। बेसिकली इनकी सारी चीज़ें लाइव हैं, तो इनका ये आउटडोर भी रहते हैं, आपको वो भी मैं दिखाता हूँ आउटडोर कैसा बड़ा आउटडोर। ये इनकी है आउटडोर सेटिंग, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेटिंग है, इनका क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है, और इनके मतलब टेस्ट भी अब बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है, बस सुनने में तो यही आया कि टेस्ट भी अच्छा है इनका। तो ये इनका आउटडोर है, और बाहर बैठने का हलवा पूरी खाने का, तो बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही अपना है। तो इंशाल्लाह आपको अब लेके चलते हैं हलवा पूरी की डिटेल, तो उसको खाते हैं और टेस्ट है जिसको आप हम आपको बताते हैं कि किसका टेस्ट कैसा है। जी गाइस, हम आगे हैं, अब हम वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ऑर्डर तो हमने दे दिया है हलवा पूड़ी का, तो इस टाइम शायद हम थोड़ा लेट आए हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, कीमे वाला पूड़ा, चिकन पूड़ा नहीं है, पराठे नहीं है इनके पास, बट हलवा पूड़ी है। चलें जो आ रहा है शुक्र लगा करके वो खाए, वो तो खाएँ हम, तो इस वजह से हमने ऑर्डर तो दे दिया है, अब हम वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के। इनका सेटिंग का व्यू ये है, और ये सेटिंग है इनके, फरवरी का मौसम है, हवा भी चल रही है, और बाहर बैठ के खाने में मज़ा और टेस्ट अपना होगा। चने का तो टेस्ट आउट क्लास है, और पूरी तो गर्म गर्म खाने का मज़ा ही आता है। आप लोग जरूर टेस्ट करिएगा और ज़रूर आइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।